فاتحه بسم الله اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الَّلَّيْنِ الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين वलानतल्लादा मजमीन मिन योमिना हाज़ाला ऊम्दीन अम्मा बत फ़कत अल्लाह सुबह नहु तबार का वाल फ़ी किताब हिलमुबी वाहिक़ीन बिसमिल्लर रहमान रहीम नमा युजहबान कुमर बैत اهل कुम तत हीरा कायनात का खालिक व मालिक कायनात को खल्क करने वाला परवरदिगार अपनी अजीम किताब कुरान मजीद में इशाद फरमाता है कि यकीनन अल्लाह ने ये इरादा कर लिया अहल वैत कि आपसे हर तरह के रिश्त को दूर रखे तमाम तरह की बुराइयों को दूर रखे और आपको पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक़ है अजीज़ा इगरामी ये आया मुबारक जो आया तथीर के नाम से मशहूर है और आया तथी के नाम से जानी और पहचानी जाती है जिस आया मुबारक में खाल कलाम अहल बैत की तहारत का ज़िक्र कर रहा है कि अहल बैत ताहिर हैं और अहल बैत पाक हैं बेशक तहारत और पाकिजगी इस्लाम इसको अच्छी नज़र से देखता है इस्लाम अच्छी निगाह से तहारत को देखता है और पाकिजगी को देखता है इस्लाम ने मजहब ने हमारे दीन ने हमको पाक और ताहिर रहने का हुक्म दिया कि तुम पाक रहो ताहिर रहो नजासतों से दूर रहो बुराइयाँ तुमसे दूर रहें तुम बुराइयों के करीब न जाओ ये तमाम बातें जो तहारत के सिलसिले में हैं वो हमसे ताल्लुक़ रखती हैं हमको ताहिर रहना है हमको पाक रहना है हमको बुराइयों से दूर रहना है हमको गंदगियों से दूर रहना है हमको नजासतों से दूर रहना है हमको बुराइयों से दूर रहना है हमको रिश्त से दूर रहना है यानी हम उनसे दूरी बनाए रहें हम उनसे दूर रहें ये अल्लाह ने हमारे वास्ते मज़ब ने हमारे वास्ते ये इंतज़ाम किया कि हम दूर रहें हम अगर नजिस हैं तो हमें पाकिजगी और तहारत का हुक्म दिया गया कि अपने को पाक कर लो अपने को ताहिर कर लो लेकिन कायनत आलम आदम में कुछ अल्लाह के ख़ास बंदे ऐसे भी हैं कि जिनकी तहारत के वास्ते जिनकी पाकिजगी के वास्ते परवरदिगार आलम ने वादा किया है और ये आय मुबारक उस आयत उस बात की तरफ इशारा कर रही है और उस बात को बता रही है और वो कौन है जिनके लिए अल्लाह ने वादा किया कि ये से दूर रहेंगे और रिश्व इनसे दूर रहेगा बेशक हमसे रिच दूर नहीं है हम रिश्त भी करीब हैं और रिश्व भी हमसे करीब है मगर अल्लाह के कुछ खास बंदे जिनके लिए कुरान ने लफ्ज़ अहल बैत इस्तेमाल किया इनमा जोरीदुल्ल जुजबा अनकमर रिस्ा अहल बैत अहलैत वह हैं जिनसे रिश दूर रहेगा जिनसे बुराइयाँ दूर रहेंगी जिनसे निजासतें दूर रहेंगी जिनसे गंदगियाँ दूर रहेंगी और जो पाक रहेंगे इस तरह से कि जो पाक रहने का हक़ है तो अजीदान ग्रामी यहीं से हम में और अहल बैत में एक फ़र्क़ पता चलता है हम वो हैं कि जो निजासतों के करीब हैं बुराइयों के करीब हैं रिश्त के करीब हैं अहलैत वो हैं जिनसे रिश्त दूर है बुराइयाँ दूर हैं निजासतें दूर हैं गंदगियाँ दूर हैं हम में और अहलेबैत में यह फ़र्क है आज दुनिया ये कहती है कि हम अहलेत के जैसे अहले वैत हमारे जैसे हम भी इंसान हैं वो भी इंसान हैं हम भी खाते पीते हैं वो भी खाते पीते थे हम भी सोते और जागते हैं वो भी और सोते और जागते थे मगर यह कहने से पहले आपको ये बात याद रखना चाहिए कि आपकी असलियत और है उनकी असलियत और है आपकी असलियत निजासत है आपकी असलियत जहालत है आपकी असलियत रिश्त है उनकी असलियत नूरानी है रूहानी है तहारत है दोनों में फर्क है अजीदान गिरामी हम में और अहले में अहले बैत कौन है अली गिरामी ग्रामी मुगल मस्जिद बम्बई का यह कदीम अशर्य मजलस जिसका मैंने मनतखब किया इस बरस और मेरे अशर्य का ये रहेगा अगर ज़िंदगी रही और हयात रही और ये जो दस मज़लिसें हैं जो आपकी ख़िदमत में आपके सामने पेश होंगी उन मजलिसों में मेरे का कावान रहेगा कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं तवज्जो चाहता हूँ अदीजान ग्रामी हम अहले बैत को क्यों मानते हैं अहले बैत के मानने के पीछे रास क्या है अहले बैत के मानने के पीछे वजह क्या है अहले बैत कौन हैं बैत की खदमात क्या हैं राह इस्लाम में अहले बैत की खदमत क्या हैं मजहब के लिए अहल बैत की ख़िदमत क्या हैं दीन के वास्ते अहल बैत की खिदमत क्या हैं बैत ने अल्लाह के वास्ते क्या किया अहल बैत ने रसूल अल्लाह के वास्ते क्या किया और अहले बैत ने जो उम्मत मोहम्मद है उनको क्या दिया इन मज़लिसों में धीरे धीरे ये बातें आपके सामने जहर बहस आती रहेंगी लेकिन चूंकि आज पहली मजलिस है और चांद रात है लिहाजा थोड़ी देर मैं आज पहली मजलिस में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूं और उसके बाद अपनी बात को तमाम करूं। अजीदा ने ग्रामी सबसे पहले अहले वैत के सिलसिले में आज पहले दिन बात हो जाए तहारत अहल पाकिजगी अहले इसका जिक्र इनशा किसी मजलिस में आएगा लेकिन आज इनशा आपकी खदमत में कोशिश करूँगा कि कुछ बात अहले बैत के सिलसिले में अर्ज़ करूँ कि अहले बैत कौन है इसलिए कि ये लफ्ज़ अहल बैत तवज्जो चाहता हूँ अदीदान गामी मैं अपनी बात को शुरू कर रहा हूँ मेरा बयान शुरू हो रहा है यह लफ्ज़ अहल बैत लफ्ज अरबी का है यह उर्दू का लफ्ज नहीं है यह अरबी लफ्ज़ है अहिल सुबह से शाम तक उठते बैठते सोते जागते दिन और रात मजलिस में महफिल में हर जगह हमारे कानों से अहले बैत का लफ्ज़ टकराता रहता है हम लफ्ज़ अहले बैत बोलते रहते हैं अहले बैत बैत अहले बैत अहले बैत अहले अहले चूंकि जब से हमने होश संभाला और जब से हमारी फिक्र ने बेदारी इख्तियार की तब से हमारे जहन में ये लफ्ज़ आ रहा है टकरा रहा है चूंकि इतना ज़्यादा सुबह से शाम तक इस लफ्ज़ को हम सुनते रहते हैं अहले बैत बैत अहले बैत कि हमारे जहन में इसका ट्रांसलेशन नहीं आता कि अहले बैत कौन है अहले बैत से मुराद क्या है और अहले बैत के माने क्या हैं मीनिंग क्या हैं बैत के तो सबसे पहले मैं आपकी खदमत में बैत के माने पेश करूं उसके बाद बात आगे बढ़ेगी लफ्ज अरबी का है जब मैंने लहरे बैत के माने डिक्शनरी में देखे तो मुझे नजर आया कि अहल कहते हैं वालों को और बैत कहते हैं घर को अहल बैत यानी घर वाले अहल बैत का मतलब घर वाले तो अहले बैत को जब हमने उर्दू में ट्रांसलेट किया तो उर्दू में अहले अहलेबैत का ट्रांसलेशन हमारे सामने आया कि घर वाले तो चूंकि हमारी जबान अरबी नहीं है उर्दू जबान है और उर्दू में हमको पता चला कि घर वालों को अहले अहलेबैत कहते हैं तो फौरन हमारे जहन ने एक दूसरा सवाल पैदा किया हमारे जहन में एक दूसरा सवाल आया और वो सवाल ये था कि घर वाले तो किसके घर वाले किसके घर वाले कौन है जिसके घर वालों का हुक्म दिया गया तो मैंने तारीख से पूछा मैंने दरियाफ्त किया सवाल किया कि तारीख तू बता कि अहले बैत घर वाले किसके घर वालों का जिक्र हो रहा है मेरे घर वाले आपके घर वाले किसी मौलाना के घर घर वाले किसी जनाब के घर वाले किसी प्रोफेसर के घर वाले किसी शायर के घर वाले किसके घर वालों का जिक्र है ये तो तारीख ने कहा जरा जबान संभाल के बात करो घर वाले बेशक घर वाले हैं जो भी घर है उसके रहने वालों को घरवाला कहा जाता है मगर यह हम शुमा हम और आप कोई जनाब कोई मौलाना कोई प्रोफेसर कोई बहुत बड़े डॉक्टर कोई बहुत बड़े हकीम ये उनके घर वालों की बात नहीं है ये जो कुरान ने लफ्ज़ अहल बैत इस्तेमाल किया ये अहले बैत बायत, अहले बैत रसूल हैं तवज्जो चाहूंगा अजीराने गिरामी यह अहले बैत अलेत रसूल हैं अच्छा यह अहले बैत रसूल हैं उनका हाँ हां यह हमाशुमा की बात नहीं है रसूल के घर वाले रसूल के घर वाले और एक बैत और भी है अजीजों एक लतीफ बात है एक बायत और भी है और वो बैत वो है कि जिस बैत के लिए खालिक ने कहा कि बैती मेरा घर मेरा घर अल्लाह ने उसको अपना घर कहा यानी खाने काबा इन्ना अव्वला बैती वो जयास सबसे पहला घर जो इंसानों के वास्ते बनाया गया इंसानों की हिदायत के वास्ते बनाया गया तो एक घर और भी है वो घर अल्लाह का घर है इसलिए कि रसूल से बड़ी जो जात है वो अल्लाह की जरामी है रसूल से बलंद जात अल्लाह की है जो कायनात का खालिक भी है कायनात का मालिक भी है जब हमने अल्लाह के घर की जानिब देखा तो अल्लाह के घर में हमको एक ही नजर आया जो अल्लाह के घर में पैदा हुआ जिसकी विलादत अल्लाह के घर में हुई तो आप चाहे काबे से नस्बत दे के अहिल को समझ लीजिए चाहे रसगुल के घर से नस्बत दे के अहले वैत को समझ लीजिए तवज्जो चाहूंगा आदिदाने ग्रामी अहले वैत जब अहले वैद की बात आई और किसी बड़े घर की बात आती है तो बहुत से छोटे छोटे लोग अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं अपने ताल्लुक बताने की कोशिश करते हैं और इस बात की कोशिश करते हैं कि हाँ हमारे ये फला रिश्तेदार हैं इनसे हमारा ये ताल्लुक़ है उनसे हमारा ये ताल्लुक़ है तो जब छोटे छोटे उहदों के अंदर लोग दौड़ते हैं रिश्तेदारियां बताने के लिए और समझाने के वास्ते और अपनी रिश्तेदारियां ले जा करके स्टिकर की तरीके से चिपकाने लगते हैं तो जो कायनात आलम व आदम में सबसे बड़ा है अल्लाह के बाद क्या उससे लोग रिश्तेदारियां ना बताएंगे उससे रिश्तेदारियां नहीं जोड़ेंगे ये नहीं कहेंगे कि मेरी भी रिश्तेदारी है रसूल से मेरी भी कराबतदारी है रसूल से बेशक रिश्दारी होगी कराबतदारी होगी मैं इसका इनकार नहीं करता रिश्तेदार तो हो सकते हैं कराबतदार तो हो सकते हैं मगर अहले बैत में नहीं हो सकते अहले बैत में नहीं हो सकते इसलिए कि जिसका घर है हम उसी से कहें कि आप ही बताइए कि कौन आपके अहले बैत में है आपके अपनों में है और कौन नहीं है हमने रसूल से हाथ जोड़ के अर्ज की या रसूल अल्लाह आप फरमाइए आप बताइए कि कौन आपके अपनों में शामिल है कौन आपके घर वालों में शामिल है और कौन आपके घर वालों में शामिल नहीं है तो रसूल ने जवाब दिया कि सुनो मैं एक बार नहीं दो बार बताऊंगा एक बार घर के अंदर बताऊंगा दूसरी बार घर के बाहर बताऊंगा कि मेरे अहलवैत में कौन है चुनान्च तारीख बताती है कि एक दिन हुजूर सवड़े कायनात तशरीफ लाए अपनी बेटी के घर और बेटी से कहा कि मैं कुछ जोफ महसूस कर रहा हूं जनाब फातिमा जहरा ने अपनी चादर बाप को दी इसलिए कि बाप ने चादर मांगी थी कि बेटी मुझे चादर दे दो मैं कुछ जोफ महसूस कर रहा हूं बेटी ने चादर दी बाप चादर ओढ़ के लेट गए मुझे पूरा वाकया आपकी खिदमत में नहीं अर्ज करना है आपको मालूम है वाकया हदीस है किसा और वाकया किसा आप जानते हैं रसूल चादर ओढ़ के लेट गए के एक मरतबा सिपते अजगर इमाम हुसैन सलाम तशरीफ लाए तारीख कहती है आए मादरे गिरामी को सलाम किया कहा मादरे गिरामी मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ माँ ने जवाब दिया कि आपके नाना चादर ओढ़े हुजरे में लेटे हुए हैं नवासा नाना के करीब पहुंचा नाना को सलाम किया नाना से इजाजत मांगी नाना आपकी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं रसूल ने इजाजत दी कहा आओ मेरे लाल चादर में आ जाओ हुसैन चादर के अंदर आ गए इमाम हसन सलाम तशरीफ तो लाए माँ को सलाम किया फरमाया मादरे गिरामी मैं अपने नाना की खुशबू महसूस कर रहा हूँ माँ ने जवाब दिया कि आपके नाना हुजरे में चादर ओढ़ लेटे हुए हैं इमाम हसन आल्लाम हुजरे के करीब चादर के करीब पहुँचे नाना को सलाम किया नाना से इजाज़त ली नाना आपकी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं नाना ने इजाजत दी आओ मेरे लाल चादर में आ जाओ हुसैन चादर में दाखिल हो गए अब तारीख लिखती है कि भाई और दामाद अली जब ने अभी तालिब्लाम बैतुशरफ में दाखिल हुए शहजादी जनाब फ़ातमा जहरा को सलाम किया कि बिनते रसूल मैं अपने भाई की खुशबू महसूस कर रहा हूँ बीबी ने जवाब दिया क्या हसन आपके भाई चादर ओढ़े हुजरे में लेटे हुए हैं मौला अली करीब पहुँचे अपने भाई को सलाम किया भाई से इजाज़त मांगी कि या रसूल्ला आपकी इजाज़त है कि मैं चादर में आ जाऊँ रसूल ने इजाजत दी कि आओ अली चादर में दाखिल हो जाओ आ जाओ लीजिए अली भी चादर में दाखिल हो गए अब इसके बाद वो बीवी जिनसे चादर लेके रसूल ओढ़ के बैठे थे लेटे थे वो बीबी तशरीफ तो लाती हैं शहजादी जनाब फातमा जहरा तशरीफ तो लाई बाबा जान आपकी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊँ रसूल ने इजाजत दी कि बेटी इजाजत है तुम चादर में आ जाओ लीजिए फातिमा जहरा भी चादर में आ गई एक मिनट ठहरिए यहाँ पर और ठहर के गौर कीजिए और सोचिए कि इमाम हसन असलाम तशरी लाए उन्होंने आके अपने नाना से इजाजत मांगी कि नाना मैं चादर में आ जाऊँ आपकी इजाजत है इमाम हुसैन तशरीफ लाए उन्होंने आके सलाम किया इजाजत मांगी कि नाना आपकी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं रसूल ने इजाजत दी तो चादर में आए मौलाए कायनात ने आके सलाम किया इजाजत ली कि के ए इबन आम आपकी इजाजत है कि मैं आ जाऊं उन्होंने कहा कि हाँ आ जाओ चादर में आ जाओ बेटी जिसके दरवाजे पर आके खुद रसूल इजाजत लेता था वो रसूल से इजाजत लेकर के चादर में दाखिल हो गई अब चादर में पंजतन हैं मगर मैं अपना मजहब बदल दूँ अदान गिरी अगर आप हमें इसके अलावा कोई वाकया दिखाइए कि हसन ने इजाज़त ली हो उसके बाद अपने नाना के पास आए हो, हुसैन ने इजाजत ली हो उसके बाद अपने नाना के पास आए हो। हमें तो ये मिलता है कि मस्जिद में रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं रसूल सजदे में हैं हुसैन चलते हुए आए आके अपने नाना की पुश्त पर बैठ गए नाना से इजाजत नहीं ली इजाजत लेकर के नहीं आए पुश्त पर बैठ गए और जिब्राइल ने भी आगे हुसैन को पुश्त से नहीं उतारा रसूल से कह दिया कि अल्लाह कहलवा रहा है कि उस वक्त तक सजदे से सर ना उठाइएगा जब तक हुसैन अपनी खुशी से ना उतर आए जब तक हुसैन अपनी मर्जी से ना उतर आए तो गिरामी ये पंजतन हैं चादर में पंजतन आए कौन है रसूल हैं अली हैं फातिमा जहरा हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं और इमाम हुसैन हैं तारीख लिखती है कि एक बीबी भी, भी, भी चादर का कोना उलट के पूछती हैं चादर के करीब आके सवाल करती हैं कि अल्लाह के रसूल आपकी इजाजत है कि मैं चादर में आ जाऊं आपकी इजाजत है कि मैं चादर में दाखिल हो जाऊं तो रसूल ने मना कर दिया सलेमा, तुम खैर पढ़ो मगर चादर में ना आओ चादर में आने की इजाजत नहीं दिलवाई खैर पर होने का सर्टिफिकेट तो रसूल ने दे दिया मगर यह नहीं कहा कि तुम चादर में आओ बीबी -बी हैं जौजा हैं अहले बैत की चाहने वाली हैं हसन हुसैन और जनाब फातिमा और मौला अली पर अपनी जान निछावर करती हैं मगर इनको भी रसूलुल्लाह ने चादर के अंदर आने से मना कर दिया चादर के बाहर रोक दिया और अल्लाह की सरकार में दुआ के लिए हाथ बुलंद किए फरमाया पालने वाले गवाह रहना ये मेरे अहले बैत हैं हाउ हाउलाए अहले पालने वाले गवाह रहना यही मेरे अहले बैत हैं तो चलिए रसूल ने अल्लाह को गवाह करके बता दिया कि मेरे अहले बैत में कौन कौन है यानी अहले बैत में खुद रसूल हैं अली हैं फातिमा हैं हसन है हुसैन है। इसके अलावा अगर कोई आएगा तो रसूल बाहर रोक देंगे इसके अलावा कोई दाखिल होने की कोशिश करेगा तो उसके लिए इजाजत नहीं है उसके लिए परमिशन नहीं है उसे रोक दिया जाएगा कि तुम बाहर खड़ी रहो चादर के बाहर रहो रसूल ने अल्लाह को गवाह करके बताया कि माबूद पालने वाले गवाह रहना ये मेरे बैत हैं यही मेरे बैत हैं कौन रसूल हैं जो खुद बैत में शामिल हैं दायरा बैत में अहले बैत में रसूल शामिल हैं रसूल को आप बैत से जुदा नहीं कर सकते रसूल को आप बैत से अलग नहीं कर सकते रसूल अहले बैत में शामिल हैं अली बैत में हैं जो शहज़ादी बीबी जनाब फ़ातिमा जहरा बैत में हैं इमाम हसन बैत में हैं इमाम हुसैन बैत में हैं तो घर के अंदर हमें पता चला कि बस ये हैं जो बैत में शामिल हैं इसके अलावा कोई अहल बैत में शामिल नहीं है जौजा है बेशक मगर उसकी मंजिल चादर के बाहर है अहल बैत के बाहर है अहल बैत के अंदर नहीं है ये हुई एक बात अब आइए बात आगे बढ़ाऊं इसके बाद तारीख बताती है कि एक मौका था जब नसाराय नजरान कट हुज्जती कर रहे थे नसारा नजरान बहस कर रहे थे रसूल उनको समझा रहे थे रसूल उनको कायल कर रहे थे कि ईसा बंदे हैं खुदा नहीं हैं मगर उनकी समझ ही में नहीं आ रहा था वो तो कटहुजती पर थे अपनी जगह पर कायम थे रसूल समझा रहे हैं उनकी बात मानने पर तैयार नहीं है आखिर में फैसला ये हुआ कि कुरान की आयत आई और अल्लाह ने यह कह दिया कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बेटों को लेके आओ हम अपने बेटों को लाए तुम अपनी औरतों को लेके आओ हम अपनी औरतों को लेके आए तुम अपने नफ्सों को लेके आओ हम अपने नफ्सों को लेके आए जब कुरान की आयत उतरी मन हज जगह फीए इम बागुल तालो नदो अबना वनाकुम वा विसकुम वन फुसाना वन फुसुम कुरान है अजीदा गिरामी आयत उतरती है कि आप उनसे कह दीजिए कि तुम अपने नस्लों को लेके आओ हम अपने नस्लों को लेके आए तुम अपनी औरतों को लेके आओ हम अपनी औरतों को लेके आए तुम अपने बेटों को लेके आओ हम अपने बेटों को लेकर के आए रात को आयत आई सुबह हजूर सवर कायनात इस आलम में बैतुशरत से बरामद हुए कि गोद में छोटा शहदादा इमाम हुसैन अल्लाम इमाम हसन की उंगली पकड़े हुए उसके पीछे सर से पैर तक चादर में एक बीबी हैं और उनके पीछे मौलाए कायनात अल जिब्न अबी तालिब मैं अपने तमाम सुनने वालों को यह बात बता दूं और आपके जहने आली में रहे कि देखिए अरबी एक बड़ी जबान है और बड़ी ज़बान की बड़ी खूबियाँ भी होती हैं और बड़ी जबान में बड़े बड़े टेक्निकल मामला भी कुछ होते हैं तो इस जो जो अरबी है बड़ी ज़बान है दुनिया की इसमें जो सीगे हैं वो तीन हैं बकिया जबानों में दो हैं वाहिद और जमा सिंगुलर और प्लूरल एक है तो सिंगुलर है एक से ज्यादा हैं तो प्लूरल है एक है तो वाहिद है एक से ज्यादा है तो जमा है मगर अरबी जबान ऐसी नहीं है वाहिद एक इसके लिए अलग सीगा है तस्निया दो के लिए इस्तेमाल हुआ है जहाँ पर दो हैं वहाँ तस्नी का सीगा इस्तेमाल होता है और दो से ज्यादा हैं वन वाहिद तस्निया टू और टू प्लस के वास्ते जमा का सीखा है अब तीन या तीन से ज्यादा जितने भी हों वो जमा का सीखा अरबी जबान दुनिया की बड़ी जबानों में है रसूल को जो इनविटेशन भेजा गया वो तस्निया का सीधा इस्तेमाल हो रहा है यानी जितने भी हों आप लेके आइए पाबंदी नहीं है कभी कभी हमारे घरों में भी इन्विटेशन आता है कभी कभी हमारे घरों से भी दावतनामे भेजे जाते हैं किसी एक को बुलाना है तो एक का नाम लिखा जाएगा एक साहब के चार बेटे हैं माशाल्लाह। अगर उनके दो बेटों को बुलाना है तो उन दो का नाम लिख दिया गया और अगर सब पूरी फैमिली को बुलाना है तो विद फैमिली लिख दिया विद फैमिली लिख दिया कि अब आपके घर में आपके बच्चों में जितने भी हों उन सबको आप लेके आइए अब यहाँ पर एक दो तीन चार की क़ैद नहीं है दस बच्चे हैं दस को लेके आइए चार हैं चार को लेके आइए दो हैं दो को लेके आइए एक बच्चा है एक को लेके आइए आपको इख्तियार है विथ फैमिली लिख दिया गया कुरान इनविटेशन भेज रहा है जमा के सी में कि जितने भी हैं उनको लेके आइए अपने बेटों को लेके आइए अपनी औरतों को लेके आइए अपने नफ्सों को लेके आइए मगर रसूल जो लेके जा रहे हैं तो औरतों के लिए रसूल वाहिद के सीधे पर अमल कर रहे हैं एक बीवी को लेके जा रहे हैं नफ्सों के वास्ते रसूल वाहिद के सीगे पर अमल कर रहे हैं एक को लेके जा रहे हैं और बेटों की मंजिल पर तस्नीय का सीघा इस्तेमाल हो रहा है दो बेटे हैं उनको लेके जा रहे हैं यानी औरतों में बेटों में नफ्सों में रसूलुल्लाह ने कहीं पर जमा के सी की जरूरत ही न समझी तोज्जो चाहूंगा दीदा न गिरामी कहीं जमा के सीखे की जरूरत ही ना पड़ी एक बेटी एक नफ्स दो बेटे मैं हाथ जोड़ के की रसूल की खिदमत में अर्ज करूं या रसूल अल्लाह, उम्मत तो आपकी और बेटियां मानता है जो उम्मत कहती है कि आपकी एक से ज्यादा बेटियां थी आप उनको क्यों ना ले गए और भी बीवियां हैं आपकी चाहने वाली उनको क्यों ना ले गए एक बीबी को लेके गए बेटी को और भी चाहने वाले साहबी मौजूद हैं लेके जाइए मगर रसूल उनको लेके ना गए सिर्फ एक अली को लेके गए बेटों में हसन हुसैन को लेके गए शायद रसूल का जवाब आए तमीज से बात करना यह मामला मामूली मामला नहीं है अव्वल तो यहां पर झूठों पर खुदा की लानत देने का सवाल है झूठों पर खुदा की लानत भेजी जाए लानत करी जाए तो झूठों पर खुदा की लानत के लिए जो आएंगे तो वही आएंगे जिन्होंने कभी खुद को झूठ ना बोला हो तो जो चाहूंगा दीदा ने ग्रामी जिन्होंने कभी खुद को झूठ ना बोला हो जो सच्चे हों जो सादिक हों, पहली बात तो इससे पता चली क्यों जो रसूल के साथ आ रहे हैं यह ऐसे सच्चे हैं जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला और दूसरी बात ये पता चली कि यही वो हैं कि जो अहलेबैत रसूल में शामिल हैं जब चादर के नीचे बात आई तो रसूल ने इन्हीं को बुलाया जब मैदान में पहचानवाने की बात आई तो रसूल इन्हीं को लेके गए यह अहलेबैत अदी दान ए ग्रामीण इन नमा जुरीदान ने यह इरादा कर लिया कि आपसे हर तरह के रिश्स को दूर रखे तमाम तरह की बुराइयों से दूर रखे और पाक रखे इस तरह से कि जो पाक रखने का हक है अजीज आने गिरामी इन इन मजलिसों में हमारे और आपके दरमियान ये तमाम बातें जेर बहस आएंगी और इस बात में असल यह है जो लफ्ज अहल बैत है कि हम अहले बैत को क्यों मानते हैं अहले बैत के मानने की वजह क्या है इसलिए कि देखिए वो और होंगे जो रसूल को दाखिल अहल बैत नहीं मानते लेकिन हम अल्लाह के रसूल को सरकार ख़त्मी मरतबत को अहबैत में दाखिल मानते हैं दायरा अहल बैत में रसूल अल्लाह शामिल हैं और अहल बैत ही वो हैं कि जिन्होंने इस्लाम को फैलाया और इस्लाम को बचाया दीन अल्लाह का है मजहब अल्लाह का है कानून अल्लाह का है दस्तूर अल्लाह का है भेजने वाला अल्लाह है अल्लाह ने दीन भेजा तो अल्लाह ने न किसी गैर के जरिए से दीन भेजा है न किसी गैर के जरिए से दीन की हिफाजत की है अल्लाह ने भेजने के वास्ते भी अपने ही यहां से मुंतब करके लोगों को भेजा जो अल्लाह का दीन लेके आए और दीन की हिफाजत के लिए भी दुनिया वालों की जरूरत नहीं पड़ी उधर से भेजा जिन्होंने आके अल्लाह के, अल्ला के दिन की हिफाजत की है इसीलिए तो जबराइल उधर से कसीदा पढ़ते हुए आए ला फतेह्लाफ इलाजुलफार कोई जवान नहीं है सिवाय अली के और कोई तलवार नहीं है सिवाय जोफार के दीन के लाने वाले भी अहले अहलेबैत इसलिए रसूल अहले अहलेबैत में हैं मेरे जुमले से आप गलत मतलब ना निकालिएगा दीन के लाने वाले रसूल हैं जो अहले अहलेबैत में हैं और दीन के बचाने वाले अहले अहलेबैत हैं रसूल इस्लाम को पहुंचा के दुनिया से सिधारे तो मौलाए कायनात अली ने इस्लाम को बचाया रसूल के बाद अली ने इस्लाम की हिफाजत की सन 11 हिजरी से सन 40 हिजरी तक सन 11 हिजरी से सन 40 हिजरी तक अली ने इस्लाम को फैलाया भी है इस्लाम को बचाया भी है मगर कभी खामोश रह के दिन को बचाया कभी तलवार खैच के मजहब की हिफाजत की कभी घर के अंदर बैठ के इस्लाम की हिफाजत की कभी मैदान में निकल के अली ने इस्लाम की हिफाजत की और जब अली दुनिया से सिधारे तो यह कहते हुए तशरीफ ले गए फुस्तोब काबा काबे की कसम मैं कामयाब जा रहा हूँ काबे की कसम मैं कामयाब जा रहा हूँ हाँ हाँ याली आप कामयाब क्यों ना होंगे आपने दीन को फैलाया भी है दीन के बचाने के लिए अपनी नस्ल राय खुदा में छोड़ दिए अजीदाने गामी लेकिन अभी भी दीन को ख़तरा था अभी भी इस्लाम पर खतरे के बादल मंडला रहे थे मगर जब दीन की हिफाजत की बात आई तो कभी हसन ने सुलह करके दीन को बचाया और उसके बाद हुसैन ने जिहाद करके दीन को बचाया हुसैन ने करबला में तलवार चला के इस्लाम को बचाया अजीज़ों मुहर्रम का आगाज हो गया आज चांदरात है साल भर जिन दिनों का इंतज़ार रहता था वो आयाम आ गए इसलिए कि हमारी तो खिलकत ही रोने और रोलाने के वास्ते हुई है हम पैदा ही इसलिए हुए कि हम हुसैन का जिक्र करें हुसैन पर गिरिया हुसैन पर मातम करें हुसैन पर मजलिस हुसैन के लिए सफ़े आज़ा बिछाएँ जहाँ पर हुसैन का मातम हो अज़ीज़ों मुहर्रम का आगाज़ हो गया बेशक मुल्क भी याद मनाते हैं उन लोगों की याद मुल्क मनाते हैं जिन्होंने मुल्क को आज़ाद कराने के वास्ते अपनी कुर्बानियाँ दी हैं वो कौमें भी अपने लोगों की और अपने बुज़ुर्गों की याद मनाती हैं जिन्होंने उन कौमों को बचाने के वास्ते अपनी जान क़ुरबान की हैं दुनिया का कोई भी मजहब हो कोई भी ज़बान हो कोई भी फ़िरका हो कोई भी इलाका हो चाहे वो मुल्क हो चाहे वो कौमी हों चाहे वो मजाहब हों वो अपने अपने उन बुज़ुर्गों की याद मनाते हैं कि जिन्होंने मज़हब के लिए मुल्क के लिए इलाके के लिए ज़बान के लिए रंग नस्ल के लिए अपनी कुर्बानी दी है यह मुहर्रम भी एक कुर्बानी की यादगार है यह मुहर्रम भी एक कुर्बानी की यादगार है अजीजों यह भी एक महीना तमाम हुआ आज जिसकी आखिरी तारीख है यह महीना तमाम हुआ और कल से जो नया महीना शुरू हो रहा है जिसकी कल पहली है चांदरात है आज यह महीना यह दोनों महीने कुर्बानियों की यादगार हैं यानी जिलहिज का महीना जिसकी आज आखिरी तारीख है और मुहर्रम का महीना जिसकी कल पहली तारीख है यह दोनों महीने दो कुर्बानियों को याद दिलाते हैं जिल हिज का महीना कुरबानिया इब्राहिम और इस्माइल की याद दिलाता है मोहर्रम का महीना कुरबानी हुसैन की याद दिलाता है जिलहिज का महीना याद दिलाता है कि कोई नबीजादे के गर्दन से छुरी पलट गई मोहर्रम का महीना याद दिलाता है कि नबीजादे की गर्दन पर छुरी चल गई जिलहिज में हाजी जाते हैं खाने काबा जाते हैं मक्के जाते हैं हज करने के लिए जाते हैं सफ़ेद रंग का लिबास ओढ़ते हैं पहनते हैं लिबासहराम उस खुशी में कि नबी ज़्यादा बचा है मुहर्रम में हम काले कपड़े पहनते हैं मजलिस करते हैं सियापोश होते हैं फर्श अदा बिछाते हैं आँखों से आंसू जारी होते हैं इसलिए कि नबी ज़्यादा शहीद हुआ है वो छोटे नबी इब्राहिम का बेटा था जिसकी कुर्बानी ना तमाम कुर्बानी है और वो बड़े नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा था जिसकी कुर्बानी बड़ी अजीम कुर्बानी है जिसको कहा गया कि वफद ना हो बेजिबिन नजीम हमने इसको जब अजीम में बदल दिया कुर्बानी हुसैन जब अजीम है अजीजों हम उसी की याद मनाने के लिए जमा हुए जिसने डूबती हुई इस्लाम की कश्ती को बचा लिया इसलिए कि अगर हुसैन ना होते अगर हुसैन की मजलिस ना होती अगर हुसैन की आजादारी ना होती अगर हुसैन के नाम पर आया हुआ मजमा ना होता तो यकीन मानिए आप इस्लाम की जो खूबसूरत इमारत है यह कब की बोसीदा और पुरानी होकर खत्म हो चुकी होती कब की पुरानी हो चुकी होती बेहतरीन कसर बनवाया आपने बेहतरीन महल बनवाया आपने बेहतरीन विला बनवाया आपने मगर वो महल वो कसर वो पैलेस वो विला ठीक है आज तो बहुत अच्छा लग रहा है बेहतरीन है रंग रोगन भी है डेंटिंग पेंटिंग भी है घर चमक रहा है जग, 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 जग कर रहा है लेकिन अगर इसी घर को आप इसी तरह छोड़ दीजिए तो दस बीस बरस के बाद सौ पचास बरस के बाद यही घर देखने को दिल नहीं चाहेगा वो दीवारें जो जगमगा रही थी वो घर जो जगजग जग कर रहा था वो पैलेस और कसर जिसको देखने के लिए निगाहें ठहर नहीं पा रही थीं, वही बोसीदा होने लगेगा वही पुराना नजर आएगा वही ऐसा नजर आएगा कि देखने को दिल ना चाहे डर लगने लगे लेकिन अगर हर साल उस इमारत की देख रेख होती रहे हर साल उस इमारत पर वाइट वॉशिंग होती रहे हर साल उस इमारत की पुताई होती रहे हर साल उस इमारत की देखभाल होती रहे तो यकीन मानिए हमेशा वो पैलेस वो कसर नया नज़र आएगा पुराना नज़र नहीं आएगा इस्लाम एक बेहतरीन इमारत का नाम है एक बेहतरीन कसर का नाम है एक बेहतरीन विला है एक बेहतरीन महल है मगर यह बेहतरीन कसुर खंडर में तब्दील हो जाता अगर हुसैन ना होते कब का इस्लाम भुला दिया गया होता अगर करबला ना होती मजहब पर कब की गर्द पड़ चुकी होती अगर मोहम्मद का नवासा ना होता जिसने अपनी कुर्बानी देखे सुबह क्यामत तक के वास्ते इस्लाम की इस तरह से हिफाजत कर दी कि जब भी देखोगे जिस जमाने में देखोगे जिस हालात में देखोगे इस्लाम का कसर जगमगाता और चमचमाता हुआ नजर आएगा यह हुसैन की कुर्बानी है जहां पर इस्लाम के शायद मुसलमान जमा होते हैं और उस अजीम हस्ती की याद मनाते हैं उसका जिक्र करते हैं कि जिसने करबला की दोपहर में इस्लाम को बचा लिया हाँ जीजा ने गिरामी ये चांदरात है और चांदरात में हमारा भी दस्तूर यह है कि हम चांद देखते हैं तो चांद देख के बे आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और यह दर्स व सबक हमने आले मोहम्मद से सीखा ये दर्स व सबक हमने अहले बैत से हासिल किया इसलिए कि हमारे इमामों का और आयमा का दस्तूर ये था कि जब वो मुहर्रम का चांद फलक पर देखते थे तो बे आंखों से आंसू जारी होते थे घर में सफ़े अज़ा बिछा दी जाती थी घर में नाम हुसैन बरपा होता था मजलिस होती थी गिरिया होता था अदादारी होती थी हुसैन के मसाइब बयान किए जाते थे यह हमारे अम्मा और इमामों का दस्तूर रहा चुनानचे इसी सिलसिले में हमारे आठवें इमाम का वाकया बड़ा मशहूर है जो हर साल आज चांद रात की मजलिस में पढ़ा जाता है हर साल उस वाकये की याद दिलाई जाती है यूं तो चौथे इमाम से लेके ग्यारहवें इमाम तक शहादत हुसैन के बाद चौथे इमाम से लेके ग्यारहवें इमाम तक हर इमाम ने जब भी मुहर्रम का चांद देखा गिरिया किया आंसू बहाए सफे आजा बिछी मजलिस हुई नौ मातम हुआ नौखानी हुई मरसिए पढ़े गए अदादारी हुई और आज हमारा आखिरी इमाम जो साकिन गैबत है यक़ीनन वो हिजाब गैब में अपने जद पर आंसू बहा रहा होगा ए आकाश एजरत वली ए साकिन गैबत ए मुंतकम खून हुसैन हम आपकी खिदमत में ताजियत पेश करते हैं चाहने वालों की ताजियत कबूल फरमाइए चाहने वालों का पुरसा कबूल फरमाइए आका आपके जदत का जमाना आ गया आपके जदत के गम का जमाना आ गया हमारे घरों में सफ़े आजाब छा दी गई आका अपने जत का पुरसा कबूल कीजिए उस भरे घर का पुरसा कबूल कीजिए जो भरा घर करबला की एक दोपहर में लुट गया दीदान गिरामी तारीख लिखती है कि हमारे आठवें इमाम इमाम अली रजा था था था। इनकी खिदमत में जनाब देविल हाजिर हुए देबिल खुदाई हाथ जोड़ के बैठ गए गिरिया करने लगे आंसू बहाने लगे इसलिए कि मुहर्रम का चांद फलक पर देख के आए थे इमाम की खिदमत में ताज़ियत देने के लिए आए पुरसा देने के वास्ते आए आंसू बहा रहे हैं कि एक मरतबा इमाम ने देबिल को देखा और फरमाया देबिल तुम तो हमारे नासिर हो तुम तो हमारे मद्दा हो देबिल तुम तो हमारे चाहने वाले हो देबिल मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो गया मगर तुमने हमारे जद की शान में मरसिया नहीं कहा तुमने हमारे जद की शान में मरसिया नहीं कहा तो उन्होंने हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के कहा कि आकाशंद रसूल ऐसा मुमकिन ही नहीं है ऐसा हो ही नहीं सकता कि मुहर्रम का चांद फलक पर नमूदार हो जाए और मैं आपके जद की शान में मरसिया ना कहूं इमाम ने दुआ दी मरहबा या देविल, देबिल तुम्हारा शुमार हमारे चाहने वालों में हो लीजिए सफे आदा बिछी कुर्सी ला के रखी गई पर्दा आवेदा किया गया पर्दे के पीछे सैलानियाँ जमा हुई इधर इमाम तशरीफ फरमा हैं इमाम के चाहने वाले शिया मौजूद हैं और इमाम ने देविल को हुक्म दिया कि देविल जाओ मिंबर पर जाओ कुर्सी पर जाओ और जाके मरसिया पढ़ो देविल मेंबर पर आए और देविल ने मरसिया शुरू किया देविल का मरसिया तारीख के सीने में मौजूद है जिसका दिल चाहे उठा के देख ले और पढ़ ले देविल ने मरसिया शुरू किया ए बीबी -बी। ए आलमीन की सरदार औरतों की बीबी आइए तशरीफ लाइए खातून जन्नत आके देखिए आसमान इज्जत के सितारे कहां कहां बिखरे हुए नजर आ रहे हैं या आफ्ताब कहां कहां आराम कर रहे हैं कोई नजफ में सो रहा है कोई मदीने में आराम कर रहा है कोई काजमैन में सो रहा है देबिल मरसिया पढ़ रहे हैं गिरिया हो रहा है चाहने वाले आंसू बहा रहे हैं देविल ने मरसिया तमाम किया, देविल का मरसिया खत्म हुआ तो इमाम ने देविल से कहा देविल, इस मरसिए में मेरी तरफ से एक शेर का इजाफा कर लो देविल ने हाथ जोड़े का फर्दंद रसूल हुक्म दीजिए आप क्या शेर है तो इमाम ने एक शेर पढ़ा कहा देविल ये शेर है मेरी तरफ से बढ़ा लो उस शेर का मतलब ये था कि कोई करबला में सो रहा है कोई काजमैन में आराम कर रहा है कोई मदीने में सो रहा है कोई नजफ में आराम कर रहा है और कोई इन सबसे दूर सरजमीन तूस पर आराम कर रहा है सरजमीन तूस पर सो रहा है लीजिए देविल ने पढ़ तो दिया मरसी में वो शेर लेकिन हाथ जोड़ के इमाम से अर्ज किया का मैं तो आपके घर आने का पुराना खादिम हूं मैं तो आपके घर का पुराना मद्दा हूं ए मौला मुझे नहीं मालूम सरजमीन है तू उस पर आपके घर के कौन से बुजुर्ग आराम कर रहे हैं तू उसमें कौन सो रहा है मैं नहीं जानता इमाम ने जवाब दिया देविल तुम सही कहते हो तुम्हें नहीं मालूम तू उसमें मेरी कब्र बनेगी तू उसमें मैं दफन किया जाऊंगा लीजिए देविल ने दोबारा वो शेर पढ़ा तो पर्दा उलट के कनीज बाहर आई देबिल अब दोबारा ना पढ़ना इमाम रजा की बहन को कश आ गया मैं कहूंगा इमाम रजा की बहन आप अपने भाई की मुसीबत का एक शेर न बर्दाश्त कर सकी हाय करबला में जैनब की खबर लीजिए जिनके सामने भरा घर लुट गया जिनके सामने भाई के गर्दन पर खंजर चला जिनके सामने भतीजे के सीने पर बरछी लगी हाय जैनब क्या करे एक दो पहर में भरा घर लुट गया